किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अन्य फसलों की तरह प्याज भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण फसल है। प्याज की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। प्याज की फसल में अनेक रोग लगते हैं, किंतु कुछ ही विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। उन्हीं रोगों में से एक रोग है झुलसा रोग, जो प्याज की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। यदि इसकी रोकथाम समय रहते नहीं किया गया तो पूरी फसल झुलस कर बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, आज हम झुलसा रोग के बारे में ही बात करेंगे। झुलसा रोग का लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम कैसे करें, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। किसानी से संबंधित वीडियो YouTube पर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, प्याज में लगने वाला झुलसा रोग स्टेमफिलियम बेसिकेरियम नामक कवक के द्वारा फैलता है। यह रोग पत्तियों और बीज के डंठलों पर पहले छोटे छोटे सफ़ेद और पीले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। बाद में यह धब्बे एक दूसरे से मिलकर बड़े भूरे रंग के धब्बों में बदल जाते हैं और अंत में एक गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां धीरे धीरे सिरे की तरफ से सूखना शुरू करती हैं और आधार की तरफ बढ़कर पूरी तरह से सूख कर झुलस जाती हैं, जिससे कंदों का विकास भी नहीं हो पाता है और उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। किसान भाइयों, यदि प्याज की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो उसकी रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी फफूदनाशक रसायन का 250 ml प्रति एकड़ की दर से 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि इस दवा का प्रयोग पीठ वाली मशीन से करना चाहते हैं तो 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से सीधे टंकी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। 8 से 10 दिन बाद लगे कि झुलसा रोग की रोकथाम सही से नहीं हो पाई है तो इस दवा का उसी मात्रा में एक बार और स्प्रे करें। इस दवा के प्रयोग से झुलसा रोग की रोकथाम हो जाएगी। किसान भाइयों, इस दवा के अलावा झुलसा रोग की रोकथाम के लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG का 350 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।